फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अन्य बाइक प्रो में। तो फ्रेंड्स, आपके नॉलेज के आए हैं जो कि आप देख सकते हैं हेडलाइट ट्यूब है, हेलोजन ट्यूब। इसके एक हाई बीम वाली जो फिनामेंट है वो झड़ चुका है, यानी ख़राब हो चुका है। तो आप इसको चेक कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आपको ट्यूब निकालनी पड़ेगी। तो आप इसमें जब से इसको वायरिंग टच करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, बैटरी के वायर से पीछे वाली जो लाइट है वो जल रही है और जो हाई बीम है वो ख़राब हो चुका है। देखिए कुछ नहीं रहा, जल रहा बुझ रहा है और ये पीछे वाला जल रहा है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं इसका जो फिलामेंट है वो टूटा हुआ दिखाई देगा। और हम आपको अब नई ट्यूब दिखाएंगे जो कि हमारे पास है मिंडा क्वालिटी की, मिंडा कंपनी की। फ्रेंड्स, अब इसके दोनों फिलामेंट सही हैं तो इसको चेकअप करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे ये जल रही है, वायरिंग में कोई खराबी नहीं है। फ्रेंड्स, ये हमने टच किया, ये देखिए हाई बीम जल रहा है और ये लो बीम वाला भी जल रहा है। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि कई बार हमारे ज़्यादा यूज होने पर ट्यूब की एक फिलामेंट जड़ जाती है, जो कि ज़्यादातर हाई बीम या लो बीम वाली होती है। क्योंकि बाइक अब हम स्पीड में चलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि एकदम से हमें डिग पर देना पड़ता है, तो उससे क्या है कई बार वोल्टेज ज़्यादा हो जाती है और हमारा हेडलाइट वाला हाई बीम फ्यूज हो जाता है। इस स्थिति में आप कुछ नहीं करवाएं, केवल अपनी हेडलाइट चेंज करवा लें और आपकी जो हेडलाइट ट्यूब है वो फिर से नई डलवाने के बाद पहले जैसी हो जाएगी।